कटनी के बिगड़ेली यातायात को पटरी पर लाने विगत 2 दिन पूर्व जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने शहर के सड़कों पर पैदल चलकर शहर का भ्रमण कर निरीक्षण किया, तो वहीं 2 दिनों के बाद कटनी नगर निगम प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए वर्षा से संचालित टपरे और चाय की घुमटी लगी दुकानों को अलग करने के लिए अपना अतिक्रमण दस्ता मुंडवारा स्टेशन से लगी टपरे और चाय की दुकानों को अलग करने भेज दिया। वहां उपस्थित दुकान संचालकों का कहना है कि कार्रवाई होने के पहले नोटिस दिया जाता है, नगर निगम द्वारा नोटिस देने के 2 घंटे बाद हमें यहां से अलग किया जा रहा है। गरीब परिवार किसी तरह दुकान लगाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। वहीं भी 2 कोरोना काल निकल जाने के बाद उस समय सबका व्यापार बंद पड़ा था और वह किस तरह अपना घर चला रहा था यह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ तक कि इस स्थिति में दूसरे लोगों ने भी ऐसे परिवारों के लिए मदद के हाथ बढ़ाए, जिन्हें आज नगर निगम अतिक्रमण दस्ता द्वारा हटा दिया गया। विगत वर्षों में नगर निगम प्रशासन को यह अतिक्रमण पहले याद क्यों नहीं आया, यह सोचने वाली बात है। संचालित दुकानदारों ने इसका विरोध किया, उसके बावजूद इन गरीबों की एक नहीं सुनी गई और वहां मौजूद चाय वाले पान टपरे वाले दुकानदारों में नगर निगम पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह डाला कि हमेशा नगर निगम एक पक्ष कार्रवाई होती आई है। वहां प्रतिष्ठित दुकानदारों जो पहले से ही अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, हमारे पेट पर ही चाबुक चलाया जाता है। वहां मौजूद पीड़ित दुकानदारों ने आक्रोशित होकर आत्मदाह की भी चेतावनी दे डाली। ऐसी स्थिति में अब इन गरीबों की थाली में कल का राशन होगा या नहीं, यह कौन पूछने वाला है। और सब देख लीजिए, आपके सामने सब किनारे लगे, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, सिर्फ एक बंदे के चक्कर में पूरे की वाट लगा रहे हैं। किसके? वो सांची वाले के चक्कर में कि हम लोग 5 रुपए दे रहे हैं, वो 500 दे रहा है, तो उसके सपोर्ट में बोले सबको लिपटाओ। आप देख लो, एक एक व्यक्ति का घर 10-10 परिवार से चल रहा है। अगर किसी कोई नाजायज कमाने वाला हो तो उसको फेंक दो। सब व्यक्ति गरीब घर के लगे हैं, आप खुद से देख सकते। ऐसा उधम मार्जिन कर रहे हैं नगर निगम वाले कि आदमी गरीब सदैव कहाँ जाए, बताओ आप किसके कहाँ जाए। हटाने के पहले कोई पहले नोटिस दिया गया? नोटिस दिया गया कि प्रशासन आ रहा साथ में, तुम्हारे यहाँ से अलग कर लो, बस इतना दिए नोटिस आज सुबह दिए हैं। हाँ, बोल के गए हैं, नोटिस नहीं दिए हैं, सिर्फ बोल के गए हैं। कितने लोग हैं जो दुकानदार भी करते थे, अपना पेट पालते थे? कम से कम नहीं तो 30-35 लोग हैं यहाँ पे। अब कहाँ जाएंगे लोग? ये तो जाएंगे कहाँ, नरक जाएंगे। नरक निगम चला रहा तो नरक ही निगम माने हम तो, नगर निगम तो है ही नहीं। नगर निगम सब क्या मांगे, क्या मांगे देख रहे हैं आपके सामने, क्या मांगे? जो घर निकाल के बाहर कर रहे, क्या उम्मीद हम कर सकते हैं बताएं आप? हम क्या, हम लेके आए अपने बच्चों को, कुपोषित मेरा बच्चा है, दिखाऊं लेके आके बच्चों को नगर निगम को, कर दे उसका इलाज, उसके लिए नगर निगम नहीं लगी है, हमारा पेट गलना उसको नहीं देख रही है, आकर लात मार रही है, लिख लो लिख लो, क्योंकि वो साथी वाला 500 दे रहा है। इसको नगर निगम से लिखा हुआ पूरा, इसको लेके कमिश्नर के पास आप लोग नहीं गए? सर देखिए, अब गरीब व्यक्ति क्या जाए, क्या डरे, आप ही बता, अधिकारी से बात करने से पहले उसके चुल्लू पुल्लू बता देते, कोई मतलब नहीं है जाने से। अगला कदम क्या होगा आपका? क्या जाएगा, कुछ नहीं करूंगा, लाऊंगा मिट्टी तेल डाल लूंगा, बच्चों को ले जाके रख दूंगा वहाँ साहब आते के मारा। क्या करते हैं आप? अब मेरी होटल है यहाँ पे, जरा सी पान की दुकान चलती है। ये जो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया नगर निगम द्वारा ट्रैफिक के मद्देनजर जो लगातार चल रही है, वो सामान्य प्रक्रिया में यहाँ का भी अतिक्रमण हटाया गया है। और कुछ अतिक्रमण को व्यवस्थित करने के लिए जो पूर्व से लगे हुए हैं ठेले गुमठी, उनको कुछ व्यवस्थित करना है। और जो नए अतिक्रमण हो रहे हैं या जो गलत तरीके से जो अतिक्रमण लगे हुए हैं उनको हटाने की दृष्टि से ये कार्रवाई आज की गई है। 2 प्रकार के अतिक्रमण होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई अतिक्रमण में ये भी आता है, और अस्थाई अतिक्रमण अगर किसी बड़े व्यापारी ने या किसी बड़े उद्योग वाले ने किया है तो उसका भी हटाया जाता है। अभी भी पिछले दिनों में कई सारे लोगों की, बड़े बड़े बिल्डर्स की भी गिट्टी और रेत भरी गई है, उनका वो भी अतिक्रमण हटाया गया है। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, जो भी अतिक्रमण है उसको ही हटाने की कार्रवाई करें। कटनी से प्रवीण कुमार पारशर की ये रिपोर्ट।